नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज सभी जुबा की रास्ता। मैं हूं आपके साथ हिंदी वाजपेयी। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मजदूर को पीटने के मामले में जेल से आए भाजपा नेता ने विपक्ष व पुलिस पर लगाया आरोप। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के एक भाजपा नेता अरविंद पोदार के दबंगई के कारण शनिवार को सूरजपुर पंचायत के मंडल टोला गाँव में बवाल हो गया। बवाल इतनी सी बात को लेकर हुआ कि भाजपा नेता अरविंद पोदार को उनके गांव के ही एक मजदूर छोटू मंडल ने सड़क पर गाड़ी धोने से मना कर दिया था। इतनी सी बात को लेकर भाजपा नेता अरविंद पोदार और उनके पुत्र के द्वारा मजदूर छोटू मंडल को बेरहमी से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही जाति सूचक गाली दी गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भाजपा नेता के घर पर जाम का पथराव कर दिया, जिससे उनके दरवाजे पर लगे कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बरारी, सेमापुर, पोटिया एवं कोड़ा थाना की पुलिस को घटनास्थल पर आना पड़ा मामला को शांत करने। सुबह करीब 10 बजे से शाम तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद देर शाम घटनास्थल पर कटिहार सदर एसडीओ आलोक चंद चौधरी पहुंचे एवं मामला को शांत कराया। उधर बरारी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार को भाजपा नेता अरविंद पोदार, उनके बेटे राकेश रोशन तथा उनके पड़ोसी दीपांशु पोदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को पीसी कर भाजपा नेता अरविंद पोदार के द्वारा इस घटना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता अरविंद पोदार ने कहा कि प्रतिद्वंदी एवं विपक्ष का साजिश है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि सुरक्षा देने के नाम पर ले आया और उल्टा FIR करके मुझे और मेरे पुत्र को साथ में सुरक्षा देने के बदले FIR करके जेल भेज दिया। भाजपा नेता अरविंद पोदार ने कहा कि जो आवेदन बस सामूहिक रूप से SDO को दिया गया था वह FIR नहीं हुआ, साजिश के तहत FIR करके मुझे और मेरे पुत्र को जेल भेजा गया है। घर में घुस के कुछ आदमी इतना घोड़ा पत्थर और केवार तोड़ के आग लगा दिया, जो पुलिसकर्मी बुझाया, पुलिसकर्मी का भी सर फूटा है, पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं हट सकता है। चार थाना का पुलिस वहाँ हम लोग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूद था, उसके उपरांत भी कहाँ से आदेश था, पुलिस बंधा हुआ था, न लाठी चार्ज कर सका, न अपराधी को पकड़ सका। क्या निर्देश था मुझे मालूम नहीं है, कहाँ से गाइड हो रहा था मुझे यह मालूम नहीं है। मैं हाथ जोड़ते रहा, मेरा अपराध बताओ, अपराध का कहीं नामो निशान कोई नहीं बता सका। और मैं बचपन से अनुशासित हूँ, मेरे ऊपर झूठा आरोप, असहनीय आरोप, मेरे परिवार के ऊपर रोड़ा पत्थर से वार किया गया। मैं इसका आरोप प्रतिद्वंदी एवं विपक्ष का साजिश को दोष दे रहा हूं। एक भाजपा का नेता, भाजपा का छोटा सा सदस्य रहने के कारण मेरे ऊपर ऐसा वार किया गया। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।